हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। क्या है ये टेक्नोलॉजी, किस तरह से वर्क करती है, क्या फायदे हैं इसके, क्या नुकसान है इसके, एनवायरमेंटलिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, बाकी कंट्रीज में क्या है और इंडिया में अभी इसमें कितने हद तक ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, इसको कितना यूज किया जाता है, ये सब चीजें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ में डिफरेंस भी देखेंगे जीनोम एडिटिंग और जीएम टेक्नोलॉजी, जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी, कहाँ पर यूज होती है, ये प्लांट्स में किस तरह से यूज होती है, ये सब चीजें इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है। काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस लेक्चर में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोज की अपडेट्स आपको मिल जाए, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर देना। चलिए बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। तो बेसिकली ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कुछ रूल्स जो जीनोम एडिटेड क्रॉप्स हैं उनके इंट्रोडक्शन के लिए बेसिकली कुछ रूल्स को इजी किया है, रूल्स में थोड़ी सी ढील दी है उन्होंने, ठीक है। तो मेड रूल्स फॉर इजी इंट्रोडक्शन ऑफ जीनोम एडिटेड क्रॉप्स, मतलब कि ये जीनोम एडिटेड क्रॉप्स जो हैं वो हमारी कंट्री में अच्छे से चल पाए, उनका यूज हो, इसके लिए कुछ जो रूल्स हैं उनमें ढील दी है उन्होंने, ठीक है। गवर्नमेंट क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड जीनोम एडिटेड क्रॉप्स फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। मैंने यहाँ पे बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मतलब कि जीएम टेक्नोलॉजी या जीएम क्रॉप्स जो हैं, और जीनोम एडिटेड क्रॉप्स, इन दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, एक ही चीज नहीं होती है, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, कौन सी फायदेमंद है कौन सी नहीं ये भी देखेंगे, एंड प्रिस्क्राइब्ड रिलेटिवली इजियर नॉर्म्स फॉर देयर इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंडिया में ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ रही है, जिससे कि जो प्लांट्स हैं वो उनमें कीड़े वगैरह ना लगे, वो खराब ना हो, हमारी जो फसल है वो ज्यादा हो, इसी के लिए, इसी पर्पस के लिए हम जीनोम एडिटिंग और साथ में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं, ठीक है, जिससे हमारी फसल वगैरह अच्छी हो। हमारा मेन तो टारगेट यही है कि जो हमारी क्रॉप है वो सही रहे, उसमें कीड़े वगैरह ना लगे, वो खराब ना हो उनसे, तो वो इतनी सक्षम हो कि उन कीड़ों से लड़ सके। जैसे कि हम अपनी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप करते हैं, जिससे कि बाहर से आने वाला जो खतरा है उससे हम लड़ सकते हैं, सेम उसी तरह से हमारी जो क्रॉप है, हमारी फसल है, वो भी खराब हो जाती है बाहर की इंसेक्ट्स वगैरह से, जब इंसेक्ट का अटैक होता है तो उससे वो लड़ सके, इसके लिए हम ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसके लिए हम इनको ये नाम की दवा पिला देते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए कुछ नॉर्म्स को, कुछ रूल्स को इजी किया है गवर्नमेंट ने, मतलब ढील दी है उसमें, ठीक है। ओके, अब ये किसके लिए दी गई है, जीनोम एडिटेड क्रॉप्स के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए नहीं दी गई है, ओके, ठीक है। तो क्या होती है बेसिकली जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी, तो 10 साल पहले, करीब करीब एक डिकेड पहले, साइंटिस्ट ने, जो जर्मनी और यूएस के साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी अभी ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, और इसीलिए एनवायरमेंटलिस्ट को डर है कि कहीं ऐसा ना हो इस टेक्नोलॉजी से आगे चल के हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि अभी हमें फायदे दिख रहे हैं और लेटर ऑन हमें पता चले कि यार इसके तो बहुत सारे नुकसान है, इसीलिए इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो इसका विरोध करते हैं कि इन टेक्नोलॉजी को यूज मत करो आप। जैसे कि पहले हमने डेवलपमेंट स्टार्ट किया, डेवलपमेंट हमने 90s में करीब डेवलपमेंट स्टार्ट किया, और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया। अब हमें पता चल रहा है कि यार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, तो अब जाके उसके नुकसान सामने आ रहे हैं। तो इसी तरह से ऐसा ना हो कि आप ये जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी या जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी आप यूज करके क्रॉप्स वगैरह को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में पता चला पूरी फसल साफ हो जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। तो इसी यही डर है एनवायरमेंटलिस्ट को। तो करीब 10 साल पहले इसको डिस्कवर किया गया था, ये जो टेक्निक है वो अलाउ करती है साइंटिस्ट को कि वो क्या कर सके, डीएनए स्ट्रेंस को कट कर सके एंड एडिट कर सके। किसी भी पर्सन में डीएनए पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है, इंसेक्ट्स में भी पाया जाता है, तो किसी भी प्लांट का हम डीएनए कट कर लें, ठीक है, कट करके इन दोनों डीएनए को जोड़ दें, हमें लग रहा है कि ये वाला डीएनए फालतू है, इसका मतलब नहीं है, या ये डीएनए से नुकसान हो रहा है, तो हम ये वाला जो जो जगह है डीएनए स्ट्रेन, इसको कट करके और बाकी इसको जोड़ दें, ऐसा कर सकते हैं, या इसमें कुछ अलग हम फिट कर दें, ठीक है, कुछ अलग इधर का जोड़ के, मान लीजिए इधर बहुत बड़ा लाइन होगी तो यहाँ का हटा के हमने यहाँ जोड़ दिया, जिससे हमें कुछ अलग वेराइटी मिल गई है, अलग फायदा हो गया इससे, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह की टेक्निक होती है, जिसमें कट करते हैं डीएनए स्ट्रेन को और एडिट करते हैं जीन्स को, ठीक है, तो इसको एडिट कर दिया जाता है, तो ये बेसिकली टेक्निक होती है, ओके। अब बात आती है कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज किया जाता है, तो हम क्रॉप्स में कब करेंगे, एग्रीकल्चर के लिए, तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा चाहते हैं, तो इस
टेक्नोलॉजी से, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो प्रोसेस है, वो साइंटिस्ट को अलाउ करती है डिजायर्ड चेंज कर सके, वो जीनोम में डिजायर्ड चेंज कर सके, जिस तरह की चेंज चाहते हैं उस तरह की चेंज कर सके। ये जो चेंज है वो दो तरह से किए जा सकते हैं, बाय यूजिंग साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस और सीक्वेंस स्पेसिफिक न्यूक्लियस। ये नाम आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ खास नहीं है। साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस मतलब आप एक तरह से लोकेशन बता रहे हो, यहाँ पर भी आप लोकेशन ही बता रहे हो। जैसे कि किसी एक नंबर बता दिया आपको, इस पर आपको चेंज करना है, ठीक है, यहाँ से जाओ और इस पर चेंज करना है, तो मैं बोलूँ रोल नंबर 26, रोल नंबर 26 पे जाके कट कर दो, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हो, बी ए वो, इस तरह से जो नेम होगा वो बता दोगे। तो सिक्वेंस स्पेसिफिक, कोई आपने सिक्वेंस बता दिया कि भाई यहाँ पे जाके आपको कट करना है, तो मैं बोलूँ कि रोल नंबर 26 पे जाके बैठ जाओ, ठीक है। तो इस तरह से, इसी तरह से जो साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस जो है उसका मतलब क्या है, यहाँ पे किस तरह से जाना है। जैसे मैं आपको डायरेक्शन बता दूँ, आप स्ट्रेट जाओ, फिर लेफ्ट जाओ, फिर उसके बाद फिर स्ट्रेट चले जाना, फिर आप राइट गए थे, फिर आप लेफ्ट चले जाना, इस तरह से ऐसे जाओ और वहां पे जाके कट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे साइट डायरेक्शन बताई जाती है, यहाँ पे सीक्वेंस बताया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रोसेस से आप कर सकते हैं जो भी डिजायर चेंज चाहते हैं वो, ठीक है, जिस जगह पे चाहते हैं वहां पे। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक एंजाइम होता है विच कट्स, जो क्या करता है, कट करता है। जैसे कि ये जो कैची है ये क्या हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, विच कट्स थ्रू न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये एक एसिड के थ्रू कट करती है, ये जो एसिड होता है वो क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है जेनेटिक मटेरियल का, जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ओके। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अब साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च की, तो एडवांस रिसर्च के बाद वो एक डेवलप कर पाए एक सिस्टम, हाइली इफेक्टिव एसोसिएटेड प्रोटीन बेस्ड सिस्टम एक उन्होंने डेवलप किया, जिसका नाम क्या है, CRISPR, क्रिस्पर, ठीक है, क्रिस्पर, जिसका नाम है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट, ठीक है। तो ये इसका नाम है क्रिस्पर। ये जो टेक्नोलॉजी, उसमें क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं है, कट करना है, रिपेयर करना है। जैसे कि यहाँ पे आपने ये बीच का एक चीज कट कर दी और उसमें एक दूसरा इंसर्ट कर दिया, ठीक है, दूसरा आपने डीएनए इंसर्ट कर दिया, तो बेसिकली ये अलाउ करता है फॉर टारगेटेड इंटरवेंशन एट द जीनोम सीक्वेंस, ठीक है। आप इंटरवेंशन कर सकते हो उसमें, उस चीज को दूसरे को फिट कर सकते हो। दिस टूल हैज ओपनड अप वेरियस पॉसिबिलिटीज इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में आप कई सारी आपको पॉसिबिलिटीज मिल जाती है, आप यहाँ का कट करके दूसरी जगह लगा दो, दूसरी जगह तीसरी जगह लगा दो, इसको डिलीट कर दो, बीच वाला पार्ट आपको लग रहा है यार ये नुकसान पहुंचा सकता है तो इसको डिलीट कर दो, इन दोनों को मर्ज कर दो, इसमें दूसरा इंसर्ट कर दो, किसी दूसरी जगह का इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारी वेरियस पॉसिबिलिटीज हमको मिल जाती है प्लांट ब्रीडिंग में। इस तरह से हम काउ, बफेलो, इन सब की ब्रीड कराते हैं ना, एक अलग तरह का सांड ले आए, एक अलग तरह की गाय ले आए, ठीक है, दोनों की ब्रीड करा दी, एक नई प्रजाति बन गई, नई ब्रीड बन गई। तो इसी तरह से हम प्लांट्स में भी ब्रीड कर सकते हैं। तो इस ये सब जो करते हैं उससे हमें वेरियस तरह की पॉसिबिलिटीज मिल जाती है, हम अलग अलग तरह की प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं। यूजिंग दिस टूल एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कैन नाउ एडिट जीनोम, जीनोम को एडिट कर सकते हैं टू इंसर्ट स्पेसिफिक ट्रेट्स, अलग एक स्पेसिफिक ट्रेट्स उसमें इंसर्ट कर दे वो इन द जीनोम सिक्वेंस। ये जो सिक्वेंस चल रहा है, जो डीएनए सिक्वेंस चल रहा है, उसमें एक अलग स्पेसिफिक जो डीएनए स्ट्रेन है वो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ओके, एडिट कर सकते हैं जीनोम को, क्लियर है, ओके। तो ये इस तरह की प्रोसेस होती है, इससे ये फायदा हो गया, फायदा भी सुन लिया, प्रोसेस भी सुन लिया आपने। अब बात आती है कि जीनोम एडिटिंग है क्या, किस तरह से, तो ये तीन तरह से की जाती है। तो किस तरह का आपको एडिट करना है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एडिट, किस तरह का एडिट करना है, इससे हमने इस प्रोसेस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है SDN1, SDN2, SDN3, SDN1, SDN2, SDN3। देखिए, ये आपका एक डीएनए हो गया, डीएनए में आप कोई टेम्पलेट नहीं है, मतलब बेसिकली SDN1 में क्या करते हैं, हम कट कर दिया और यहाँ पे स्मॉल इंसर्ट इंसर्ट कर दिया या डिलीट कर दिया विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जेनेटिक मटेरियल। कोई दूसरे प्लांट का इस प्लांट में नहीं डाला है हमने, एक प्लांट दूसरे प्लांट, दो प्लांट है, हमने ऐसा नहीं किया कि दूसरे प्लांट का इस प्लांट में इंसर्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं करेंगे। SDN1 और SDN2 दोनों में ही फॉरेन जेनेटिक मटेरियल हम नहीं डालते हैं। यहाँ पे क्या किया, स्मॉल इंसर्ट किया या डिलीट किया आपने, आपने यहाँ से हटा के, ये जैसे ये था, यहाँ से आपने कट किया, कट करने के बाद इन दोनों को ही जोड़ दिया, थोड़ा सा आपने डिलीट कर दिया या थोड़ा सा इंसर्ट कर दिया, बहुत ही स्मॉल अमाउंट आपने यहाँ पे इंसर्ट किया, ठीक है। दूसरा जो SDN2 होता है उसमें क्या होता है, SDN2 में हमने क्या किया, डीएनए टेम्पलेट लिया, छोटा सा डीएनए टेम्पलेट लिया, जैसे हमने यहाँ पे ये ले लिया,
होमोलोगस टेम्पलेट लिया है आपने, मतलब खुद का ही टेम्पलेट लिया, दूसरे का नहीं लिया। जैसे ये पूरा था यहाँ से कहीं से आपने उठा लिया, ठीक है, यहाँ से उठा के इस जगह में आपने इंसर्ट कर दिया। तो स्मॉल डीएनए टेम्पलेट लिया टू जनरेट स्पेसिफिक चेंजेस। कुछ चेंजेस चाहते हैं आप, चाहते हैं इसमें कीड़े वगैरह न लगे या थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए या कुछ भी आप चाहते हैं, क्रॉप अच्छी हो जाए, तो आप उसके लिए इधर से कहीं से आपको लग रहा है कि यार यहाँ से काम हो सकता है तो यहाँ से इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा डीएनए टेम्पलेट लिया, मतलब थोड़ा सा हिस्सा लिया, यहाँ पे कोई टेम्पलेट नहीं लिया था, यहाँ पे आपने हिस्सा लिया और इसको जोड़ दिया, यहाँ पे आपने दोनों को आपस में जोड़ दिया था, यहाँ से बीच में कट कर दिया बस, ठीक है। इस वाले में तो ये जो दोनों ही है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में ही फॉरेन जेनेटिक मटेरियल हमने नहीं लिया है, ठीक है, दूसरे प्लांट का नहीं डाला है, और ये जो एंड रिजल्ट है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम, बेसिकली क्या है कि जब हम नॉर्मल ब्रीड कराते हैं दो, जो दो क्रॉप्स है, दो प्लांट्स है, उन दोनों अलग अलग टाइप के प्लांट्स को हम ब्रीड कराते हैं तो उससे कुछ ज्यादा अलग नहीं, क्यों, क्योंकि आपने इसमें कोई फॉरेन जेनेटिक मटेरियल नहीं लिया है, आपने एक ही प्लांट का लिया है, तो इसमें ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। तो ये जो दोनों टेक्नोलॉजी है उसमें ज्यादा एज सच नुकसान की चीज नहीं है। थर्ड आती है एसडीएन3। एसडीएन3 में क्या करते हैं, आप एक लार्जर डीएनए एलिमेंट लेते हैं। देखिए, एक लार्जर डीएनए एलिमेंट आपने ले लिया और फुल लेंथ जीन्स ले लिया, फॉरेन ऑरिजन का भी हो सकता है, ठीक है, किसी दूसरे प्लांट का आपने ले लिया। अब दूसरे प्लांट का, फॉरेन ओरिजिन का आपने जो डीएनए है वो ले लिया, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए एलिमेंट लिया और फिर इसको इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पर बहुत सारा चेंज हो सकता है। इन सब में तो चेंज के चांसेस कम है या नहीं है, ना के बराबर है, क्योंकि इसमें तो ऐसे कुछ है नहीं, इसमें थोड़ा सा आपने इंसर्ट किया, लेकिन यहाँ पे आपने बहुत बड़ा एलिमेंट लिया और फॉरेन ओरिजिन का लिया, तो यहाँ पे चेंजेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है, जो एसडीएन3 है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ डेवलपमेंट की सिमिलर ही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की सिमिलर ही है, जीएम टेक्नोलॉजी जो है उसके सिमिलर होती है ये, ठीक है। तो एक जैसी बना देता है, क्यों बना देता है, क्योंकि आपने यहाँ पे फॉरेन ओरिजिन का डीएनए लिया है, डीएनए एलिमेंट। क्लियर है, ये तीनों आपको समझ आ गया, एसडीएन 1 2 3। ओके, तो ये तीनों में एडिटिंग हो गई। अब यहाँ पे जीएमओ किस तरह से डिफरेंट है इससे, तो जीएमओ में आप क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द होस्ट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जेनेटिक मटेरियल। तो पहले ही आपको समझ आ गया, इसमें फॉरेन जेनेटिक मटेरियल से ही आप, जैसे कि यहाँ पे आपने दूसरा इंसर्ट कर दोगे आप, ठीक है, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल आप इसमें इंसर्ट कर दोगे। एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, सॉइल बैक्टीरिया इज द बेस्ट माइनिंग सोर्स। यहाँ पे जो सॉइल बैक्टीरिया होता है वो एक बेस्ट माइनिंग सोर्स होता है फॉर सच जीन्स, इस तरह के जीन्स के लिए, विच आर देन इंसर्टेड इन टू द होस्ट जीनोम यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम क्या करते हैं, जो सॉइल बैक्टीरिया है उस जीन्स को, इस तरह के जीन्स के लिए हम इंसर्ट कर देते हैं होस्ट जीन्स में, जैसे ये वाला जीन है उसमें दूसरा आपने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट किया जाता है जीएमओ, ठीक है। और ये जो आपकी थी CRISPR, जो क्रिस्पर जीन एडिटिंग है, उसमें आपने क्या किया, इसी का ही कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से आपने एक ही जीन था और इसी डीएनए में से इतना वाला आपने कट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फॉरेन नहीं इंसर्ट किया, ठीक है, यहाँ पे फॉरेन जीन आपने इंसर्ट कर दिया, तो डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, अब एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि जैसे कॉटन होती है, बीटी कॉटन आपने सुना होगा ये नाम, ठीक है, बीटी कॉटन में ये जीन का नाम है, ठीक है, CRY1AC और CRY2AB, ठीक है, ये नाम है, इसको आपको याद नहीं रखना है। तो जो कॉटन है उसमें क्या करते हैं, ये जो जीन है माइन फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम, एक सॉइल बैक्टीरियम बीटी होता है जिसके नाम पर इसको बीटी कॉटन बोला जाता है, जो कॉटन खराब नहीं होती, ये कॉटन सही रहती है। पहले क्या होता था, इस तरह का एक बैक्टीरिया, ये जो पिंक वॉलवॉर्म, ये जो है ये एक मोस्ट कॉमन पेस्ट है फॉर कॉटन फार्मर्स, ठीक है, तो कॉटन की जो फसल होती है उसको ये खराब कर देता है। अब इससे बचने के लिए जो कॉटन है ना, कॉटन एक तो खाने वाली फसल नहीं है, फूड क्रॉप नहीं है, फूड क्रॉप नहीं है तो उससे नुकसान नहीं है, बट अगर हम बात करें कि टोमेटो में इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करें तो साइंटिस्ट को ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि टोमेटो को खाने वाला इंसान फिर उसको प्रॉब्लम होने लगे, तो उस वजह से इसको रोका जाता है। अब यहाँ पे जो कॉटन है वो तो फूड क्रॉप है नहीं, नॉन फूड क्रॉप है, तो उसके साथ कुछ भी कर लो, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये एक्सपेरिमेंट इन चीजों पर हो जाते हैं, और इसीलिए इंडिया में बीटी कॉटन के लिए तो अलाउड किया गया है, बाकी के लिए नहीं किया गया है, ठीक है। तो क्या है, बेसिकली पिंक जो वॉलवॉर्म, ये वाला जो इंसेक्ट है, ये फसल को खराब कर देता है, कॉटन की फसल को, तो इसी वजह से क्या किया गया है, इसको थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। तो ये क्या करता है, ये फसल को खराब कर देता है, तो इसी वजह से इसमें क्या किया गया है, ये जो जीन्स है, ठीक है, इनको माइन किया जाता है किससे, सॉइल से, ठीक है, सॉइल बैक्टीरियम रेसिडस
फुरेंजेनेसिस, ठीक है, इसका पूरा नाम है बीटी, इसीलिए बीटी कॉटन बोला जाता है। तो इसको माइन करते हैं और इसको क्या कर देते हैं, फिर उसमें फिट कर देते हैं कॉटन प्लांट में, ठीक है, जो नेटिव कॉटन प्लांट है उस प्लांट में आप इस जीन को वहां पे फिट कर दोगे, ठीक है। तो इसको फिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा कि जो प्लांट है ना, जैसे हमने अभी कोरोना की वैक्सीन में क्या हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डाली, कोरोना की एंटीबॉडी डाली, तो इसी तरह से अगर हमें किसी बैक्टीरिया से वो चीजें मिल जाए, वो गुण मिल जाए जो क्रॉप को बचा सके, तो हम उस क्रॉप को वो दवाई ना पिला दें। अब क्रॉप को दवाई कैसे पिलाओगे, क्या उसको उसके मुंह में डालोगे, मुंह तो है नहीं उसका। तो उसके लिए आपने क्या किया, उसके जीन में बेसिकली फिट कर दिया, उसके डीएनए में फिट कर दिया आपने। तो इस तरह से समझ सकते हो आप, तो जैसे हमने कोरोना की वैक्सीन हमें लगाई गई, इसी तरह से इसमें वो वैक्सीन लगा दी हमने। तो ये जो बीटी सॉइल बैक्टीरियम बीटी ये है, इसको माइन इन इन जीन्स को माइन किया गया और इसको फिट किया गया इस प्लांट में। इस प्लांट में फिट करने की वजह से क्या हुआ, इसमें इतनी एंटीबॉडीज हो गई जिससे कि ये फाइट कर सके, जो पिंक वॉलवॉर्म है उससे फाइट कर सकता है नेचुरली, और फिर ये जो कॉटन है वो खराब नहीं होती। ओके, समझ आ गया। तो इस तरह से यूज किया जाता है। ये एग्जाम्पल आपने पहले भी पढ़ा होगा अगर आपको बीटी कॉटन के बारे में आइडिया हो, तो नहीं पढ़ा है तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि ये जो लॉ है वो क्या बोलता है बेसिकली। तो बेसिक यहाँ पे डिफरेंस आपको समझ ही आ गया, जीनोम एडिटिंग और जीनोम इंजीनियरिंग, जो ये जो मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं उसके लिए। तो जीनोम एडिटिंग में क्या करते हैं, कोई फॉरेन जेनेटिक मटेरियल आप यूज नहीं करते हैं, इसी वजह से ये जो ट्रेडिशनल हाइब्रिड हम करते हैं, ठीक है, हाइब्रिड जो हम करते हैं प्लांट्स को, वो और ये सेम ही रहता है, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम बात करें जीएमओ की, तो जीएमओ में हम फॉरेन जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं, इसीलिए ये वाला जो जीनोम एडिटिंग है ना, इसको बोला जा रहा है कि आप इसको अलाउ करो, ठीक है, इसको फूड क्रॉप्स में अलाउ करो, इसको तो अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो दोनों टेक्निक है उनका एम क्या है, एम तो वही है कि आप अलग अलग वेरिएंट्स जनरेट कर सके जिससे कि बेटर यील्डिंग हो, मोर रेसिस्टेंट हो टू बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस, मतलब बेसिकली हमारी फसल अच्छी हो सके, ठीक है, वो खराब ना हो, कोई इंसेक्ट वगैरह आता है फसल खराब हो जाती है, तो ये ना हो, क्रॉप हमारी खराब ना हो, अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन हो सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके और हेल्दी से हेल्दी रखा जा सके, ठीक है, फूड को, तो ये हम चाहते हैं। तो दोनों का ही एम यही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस डिस्कवरी से पहले, जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये जो आपकी दोनों डिस्कवरी है, इनसे पहले क्या था कि हम क्या करते थे, वो ब्रीडिंग कराते थे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट किस तरह से करते थे, जैसे फसल अच्छी करने के लिए हम उसमें जो यूरिया वगैरह ये सब मिलाते हैं तो वो करते हैं, इसके अलावा हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराते थे। इस सिलेक्टिव ब्रीडिंग किस तरह से होती है, जैसे कि यहाँ पे देख लो कि ये जो प्लांट्स है इसमें कम फसल आ रही है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा, इसमें अच्छे अच्छे से आपको दिख रहे हैं फ्रूट्स, ठीक है, तो ये बेटर क्वालिटी है, तो आप फिर क्या कर दोगे, आप ब्रीड प्लांट्स विथ बिगेस्ट फ्रूट एंड हाइएस्ट यील्ड वाले प्लांट को आप ब्रीड करा दोगे, ठीक है। अब इस प्रोसेस को आप रिपीट करोगे तो आपकी ये वाली चीजें कम होती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने और कर दिया, तो यहाँ पे बेटर आपको रिजल्ट मिल पा रहा है। तो यही सेम चीज करते हैं आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग में। अब इससे अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो हम उसको यूज करेंगे, जिससे हम क्या करते हैं केयरफुली क्रॉसिंग प्लांट्स, ठीक है, जैसे हम मैंने अभी गाय वाला एग्जाम्पल बताया था, सेम उसी तरह से काओ के एग्जाम्पल की जगह आप प्लांट्स को ले लो, ठीक है, विद स्पेसिफिक ट्रेट्स टू प्रोड्यूस डिजायर्ड ट्रेट इन द ऑफस्प्रिंग, जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह का हम ले लेते हैं, ठीक है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, ये जो वर्क है हमारा बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा और ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा साइंटिस्ट का, कि किस कितना हमें प्रोडक्शन किस तरह से चाहिए, ये साइंटिस्ट का ज्यादा इस पर जो है कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट का इतना कंट्रोल नहीं है, वो पूरी तरह से इन पर डिपेंड है, कभी हो भी सकता है कभी उतना अच्छा नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल इस तरह की जो टेक्नोलॉजी उससे ज्यादा अच्छी क्रॉप होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कुछ इस तरह की जो टेक्नोलॉजी वगैरह है उनके लिए कुछ रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप इसको अगर इसके नुकसान हो सकते हैं फ्यूचर में तो उसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है। तो अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो जीएम क्रॉप के लिए जो ये जो जीएम क्रॉप को यूज करना है नहीं करना है, ये एक डिबेट का टॉपिक है। क्यों डिबेट का टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं कि आप इसको यूज मत करो, यूज क्यों मत करो, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है, फ्यूचर में पता चला कि इससे बहुत नुकसान हो गया, ठीक है, हमारी क्रॉप अच्छी हो रही है, अभी तो हमें अच्छा दिख रहा है, एट लास्ट हमें पता चला कि यार ये तो पूरा ब्लास्ट ही हो गया, तो इसको अपोज कर रहे हैं बायोसेफ्टी के लिए, और डेटा इनकम्प्लीट है, अभी 10 साल आप एक डिकेट पहले ही
इसकी रिसर्च की बात कर रहे हो तो फिर डेटा इनकम्प्लीट है, उतना हमारे पास इसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं। जैसे कि हम कोई वैक्सीन बनाते हैं तो वैक्सीन ऐसा नहीं होता फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रायल, हमने अभी तो जैसे कोरोना की वैक्सीन की जल्दी जल्दी ट्रायल कर लिए, लेकिन इसमें बहुत साल लगते हैं। बहुत साल क्यों लगते हैं? कोशिश की जाती है कि ऐसा ना हो कि आपने जो आपने एक वैक्सीन बना ली और एट लास्ट 70 साल बाद उसके कुछ रिजल्ट हमें कुछ मिल रहे हैं या कोई बहुत ज्यादा उसका डेंजरस इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे कहना है कि एक तो बायोसेफ्टी, दूसरी चीज डेटा इनकम्प्लीट है तो अभी आप इसको यूज ना करो। अगर हम इंडिया में बात करें तो जो जीएम क्रॉप है इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करना, इंडिया में इंट्रोड्यूस करना अभी बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे चेक लगते हैं, मल्टीपल लेवल ऑफ चेक लगते हैं। ऐसे ऐसा नहीं होता कि बस एक बार में हो गया, तो गवर्नमेंट उसको देखती है, कुछ कमिटीज हैं वो देखती हैं, उसके बाद फिर वो आपको अलाउ करती है नहीं करती है वो होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद इसके लिए इंडिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बनी है। ये कमेटी किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर है। ये रेगुलेटर है फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएम मटेरियल। जीएम मटेरियल का अगर आपको इंडिया में इंट्रोड्यूस करना है तो उसको रेगुलेट करने का काम ये करती है। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर मल्टीपल फीड ट्रायल्स, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर हम इस तरह की चीज को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो मल्टीपल फील्ड ट्रायल्स होते हैं। जैसे कि वैक्सीन वगैरह के ट्रायल होते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल कैसे होते हैं कि इनके एक जमीन है उस पर इसको इसकी बुवाई वगैरह की जाती है, उस तरह से चेक किया जाता है। तो काफी सारे फील्ड ट्रायल्स होते हैं। डेटा अबाउट बायोसेफ्टी, ये देखा जाता है कि बायोसेफ्टी है या नहीं है या नुकसान पहुंचा रहा है इसको। अदर इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर गेटिंग नॉट बिफोर कमर्शियल रिलीज, ठीक है, कमर्शियल रिलीज से पहले बहुत अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन भी जरूरी होती है इन जीएम क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, अभी तक अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बीटी कॉटन ही जो है उसको अप्रूवल मिला है, उसकी प्रोसेस को अप्रूवल मिला है। ठीक है, तो इसने ही अकेला क्रॉस किया है द रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस, बीटी कॉटन नहीं, बाकी किसी ने नहीं किया है। ये फूड क्रॉप भी नहीं है तो इसलिए इसकी दिक्कत भी नहीं है। ओके, अब यहाँ पे रेगुलरिटी इश्यूज क्या है विच प्रिवेंटेड वाइडर अडॉप्शन ऑफ जीएमओ टेक्निक। जीएमओ टेक्निक की अडॉप्शन को प्रिवेंट करते हैं काफी सारे इश्यूज हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, कुछ ग्रुप ऑफ एजुकेशनल साइंटिस्ट ने पीएम को, जो पीएम नरेंद्र मोदी जी को, एक लेटर लिखा था। और उसमें उन्होंने लेटर में जो लिखा था उसके हिसाब से ये था कि जीनोम एडिटेड क्रॉप जो है उसको आप बंद करो, ठीक है, इनको आप इस पे बैन लगाओ, ठीक है, मतलब इसको रिस्ट्रिक्ट करो, पुट अ ब्रेक ऑन जीनोम एडिटेड क्रॉप्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी बात सुनी और फिर सजेशंस मांगे और ऑब्जेक्शंस मांगे। मतलब बेसिकली सजेशन मांगे कि इसको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जो लोग अपोज करना चाह रहे हैं तो उनसे भी पूछा कि भाई आप बताइए क्या करें। तो इस तरह से ओपिनियंस मांगे लोगों की स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरी से, और ये जो फील्ड ट्रायल है इस तरह की क्रॉप्स का उसको होल्ड पर रख दिया उन्होंने। फिर यहाँ पे ये चीज हुई। इसके अलावा कुछ सिग्नेटरीज हैं जैसे कि जिनमें से कुछ को पद्म अवार्ड भी मिला है, ठीक है, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको पद्म अवार्ड मिला है। उन्होंने बोला कि ये जो हम बात कर रहे थे जीनोम एडिटिंग और जीएमओ, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो इसमें मैंने SDN1 और SDN2 टेक्निक्स बताई थी, इसमें बताया था कोई फॉरेन जीन यूज नहीं किया गया है। तो उन्होंने बोला कि यार ये दोनों अलग अलग हैं और इसमें आपने कोई फॉरेन एलियन डीएनए यूज नहीं किया है, तो ये उसी तरह से है जैसे कि हम हाइब्रिड यूज करते हैं, दो अलग अलग प्लांट्स की हाइब्रिड कराते हैं, तो वो जो हम अलग ब्रीड यूज करते हैं उसी तरह से ये भी है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इनको अलाउ किया जाए और बाकी SDN3 और जीएमओ को अलाउ ना किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से बोला गया इनके द्वारा। अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इस टॉपिक पर फ्रेश गाइडलाइंस इशू की है और इसको बेसिकली रोक दिया गया है। ठीक है, और नोटिफिकेशन जो है उसमें आपने SDN1 और SDN2 जीनों को नहीं रोका गया, उनके लिए तो ठीक है जैसा था वैसा ही है, बाकी जो SDN3 है और GMO उसके लिए रोक लगा दी गई है। इंस्टीड इट वुड रिलाई ऑन रिपोर्ट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो SDN1 और SDN2 है ना, वो उनको उनमें ढील दी गई है और बाकी में नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है, ये जो पूरी लंबी प्रोसेस होती थी, बहुत टफ प्रोसेस होती थी, उस प्रोसेस से ना जाकर इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी जो है उससे ये चेक कराएंगे, उससे देखा जाएगा, उससे परमिशन मिलेगी। ठीक है, तो उससे इस चीज के लिए परमिशन मिलेगी। ये एक एक्सपर्ट कमेटी है जो एक्ट एनवायरनमेंट एक्ट जो है उसके अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और ये डील किससे करती है, विथ रिसर्च एंड रिलीज ऑफ जीएम मटेरियल। ठीक है, जो जेनेटिक मॉडिफाइड मटेरियल होती है उससे ये
डील करती है उसको, उसकी रिसर्च करती है और उसको रिलीज करती है। ठीक है, तो ये काम है इस एक्सपर्ट कमेटी का जो अब इसको देखेगी। ठीक है, तो यहाँ से परमिशन लेनी होगी बेसिकली। क्लियर हो गया? तो SGN 1 और SGN 2 के लिए थोड़ा सा जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो ढीली की गई है। सच कमिटी नाउ क्लेरिफाई दैट द जीनोम एडिटेड क्रॉप्स इज फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन डीएनए। ये जो कमिटी है ये क्लियर करती है, क्लेरिफाई करती है, और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्लियर किया है कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इनको आप मिक्स मत करो। ठीक है, जीएमओ को आप पसंद नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जीनोम एडिटेड क्रॉप्स है उसको आपको पसंद करना चाहिए, क्योंकि ये इसमें कोई फॉरेन डीएनए नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा ये बर्डन फ्री भी रहती है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, मतलब टाइम कंज्यूम भी नहीं होता क्योंकि आप ब्रीड वगैरह कराते हो उसमें टाइम कंज्यूम होता है, और इसी वजह से ये फायदेमंद होगी और इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है और ये सजेशंस वगैरह भी मैंने आपको बताया, और यहाँ पे हमारे लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके अगर PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा और फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।